सबसे पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। काशी को मोक्ष का शहर माना जाता है। काशी को सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। काशी में 2 विश्वनाथ मंदिर है। काशी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी में 88 घाट है। काशी को भगवान शिव के त्रिशूल पर टीका माना जाता है। काशी में 2 नदियों वरुणा और अस्सी के बीच में बसी होने के कारण इसी का नाम पर वाराणसी रखा गया है। अब हम कुछ गंगा आरती के बारे में, जो हम लोग प्रतिदिन गंगा आरती करते हैं 7 प्रकार की, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। आरती का अर्थ है पूरी श्रद्धा के साथ परमात्मा की भक्ति में डूब जाना। आरती को निराजन भी कहा जाता है। निराजन का अर्थ होता है विशेष रूप से प्रकाशित करना। आरती करने से मानसिक तनाव दूर होता है और वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। आरती करने में मन पवित्र और तन स्वस्थ रहता है। ऐसा माना जाता है कि यदि पूजन विधि में कोई त्रुटि हो गई हो तो आरती के माध्यम से त्रुटि की पूर्ति हो जाती है। हम मुख्यतः 7 प्रकार की आरती करते हैं, जिसमें से प्रथम हम लोग शंख वादन से स्टार्टिंग करते हैं। शंख के ध्वनि से सभी वातावरण में शुद्धता प्राप्त होता है। इसी से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं गंगा आरती को। अभी हम लोग 7 प्रकार की आरती करेंगे। ओम नमः पार्वती पदये हर हर तब तक हम सभी लोग देख लेते हैं।
प्रेम भाव दो मिनट हरि नाम संकीर्तन करें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो अर्चुतम केशवम राम नारायणम बैठो यहीं पे ओए इधर बैठो। गंग सकल मुद मंगलम सब सुख करनी हरानि सब शूला गंग सकल सब सुख करन हरन सब इसे खराब रिकॉर्ड कर ले तो बढ़िया इसे खराब रिकॉर्ड कर ले इसे खराब रिकॉर्ड कर ले। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद हर नाग विभुत बंदिनी जय जनवालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद हर नाग विभुत बंदिनी जय जनवालिका। पद सरोज राशीष शीश पर विभाग त्रिपथ गास पुण्य राशि पाप चालिका त्रिपथ गास पुण्य राशि पाप चालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद हर नाग विभुध बंदिनी जय जहन बालिका। सब सर सपालिका कीट जटिल ताप सब सर सपालिका
जय जय भगीरथ नंदिनी विजय सकोरथ नरनाग विभुध वंदिनी जय जहल वालिका जो नर मैया जी को